आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, कर दो स्टार्ट कर दिया, एक बार चेक करना। सौगणं पंचदशरचं च श्रीकालवासनं जपे अभिषेकस्मरणं समर्पयामि ॐ देवसदवासविदुर्हरये श्रीमद्भागव्यां भूषणार्थाभ्यां शुद्धोदकस्मरणं समर्पयामि श्रीकालवासनं जलं समर्पयामि ॐ पूजातु ज्योतिकासर्वपर्वतमा सरस्वावास अग्ने विश्वरूपं सम्यक् वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आश्वलियं जलं समर्पयामि उपास्मै गायतालोकमालायेन्द्रे अभिदेवार्यस्यते वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आश्वलियं जलं समर्पयामि तं यजनं हरेः प्रोक्षन् गुरुभञ्जासमुग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकैश्चये वही चित्र आवाज जा रहे हैं भैया, आप लोग बैठ जाइए। परिमल द्रव्यञ्च ग्रहाण परमेश्वरी त्र्यम्बकं जयामयि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुखीयमामृता सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि ॐ दूरति दूर्वदूर्वन्तं दूर्वदम्यं दूर्वदिदं दूर्वयोमयं जो बेसिक आरती होती है ये सब है ना, अभी से हटा दें तो नहीं है ना, नहीं नहीं सुनो ज्वाला मालिन्ने वह सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बीस मिनट हो, दस मिनट हो जाएगा, दस मिनट चलिएगा, दस मिनट कम नहीं कर सकते क्या? दस मिनट तो चल जाएगा। स्वस्थ
देवाम समर्पयामि दुष्टे देव्याभिवन्दनाम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनाम् आराध्य ग्रहणाम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रमुष्पाञ्जलिः यजने रजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहनाकम् महिमानः स जन्तयत्रगोले साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि अदप्रार्थये गंगाभर पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित गंगा लहरी से कुछ श्लोक लेकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। प्रपद्यन्ते लोकं बहुत लोग जो तुम्हारी शरण में आते हैं उसमें हेतु यह होता है कि तुम उनके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती हो। परंतु माँ, मैं तुम्हारी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरी आत्मा ने तो बिना किसी स्वार्थ के स्वभाव से ही तुमसे अपरिमित प्रेम किया है। हे माँ गंगे, जो ललाट पर अनायास तिलक रूप में धारण करने से मनुष्यों के अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए निश्चय ही मध्यान्हकालीन प्रचंड सूर्य के समान बन जाती है और विधाता के द्वारा लिखे हुए अशुभ लेख दौर्भाग्य को भी तत्काल मिटा देती है। हेमा, यह तुम्हारी मृत्तिका मेरे सभी शोकों को दूर करे। मलगंगे मैया की जय, मलगंगे मैया की जय, मलगंगे मैया की जय। माँ गंगा की दिव्य आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पाप नाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हर कर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु माँ गंगा के समक्ष माँ गंगा को साक्षी मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर हेलो हमारे साथ भाई आरती आरती संकल्प ले।
और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो हेलो कि इस पार के अरे सुबह क्या कर रहे हैं भाई उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। अच्छा जरा देखो जरा और शेयर कर दिया तुमने। हाँ यार तो हर की कम देख लिया करके। हाँ आप तो लिंक भेजो मुझे जल्दी आज। ठीक है मुझे लिंक भेजो। गंगा मैया की साक्षी ने संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की हेलो पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मलगंगे साक्षी मानकर हम सभी ने जो संकल्प लिया इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। हर की पौड़ी एवं घंटाघर क्षेत्र में जो भी यात्रीगण पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलीथिन उठाकर अपने साथ ले जाएं दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डाले गंगा तट पर ना छोड़े। सामने की ओर जो यात्रीगण गंगा तट पर जूते चप्पल पहन कर बैठे हुए हैं कृपया उनसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहन कर ना बैठे। अपने जूते चप्पल ऊपर की ओर उतार दे। पुनः आपसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहन करना होगा। हस्ते जलमादाय कृतस्य अस्ति दिवसे पूजनाख्ये करवणा श्री गंगा दिव्यै त्रियतां नमः। शीर्वाद दीर्घाय सौधरे कविराजमे सदाधनाम्यहम् भवतु त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवर्षाभिरोहगात ृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु मानिषद्वारा संसिद्धिरस्तु शक्राय नमः। अब से कुछ ही समय पश्चात माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए माँ गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय माँ गंगे 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 पतित पावनी जय माँ गंगे मोक्षदायिनी जय माँ गंगे पाप नाशिनी जय माँ गंगे संकट हरिणी जय माँ गंगे मंगलकारिणी जय माँ गंगे हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर गंगे जय माँ गंगे 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 हर हर सभी श्रद्धालु भक्तगणों से अनुरोध है कृपया सभी मास्क अवश्य लगाकर रखें। सभी लोग बैठ जाएं कृपया करके। उन्हें सभी श्रद्धालु भक्तगणों से कृपया सभी मास्क अवश्य लगाकर रखें। बैठ जाएं आप लोग। एक हजार
सभी माता के परम भक्त एक बार ध्यान दें। माँ जगत जननी के आरती का जुड़ा है, सभी भक्त बड़े प्रेम से महामाई का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। देखिए अभी से कुछ ही समय में माँ गंगा जी का आरती दर्शन आपके सामने होगा। गंगा मैया का अभिषेक पूजन हो चुका है और अभिषेक पूजन के बाद माता रानी का 1011 बड़ी और 10 छोटी 21 आरतियां आपके सामने होने जा रही है। और ये माता रानी की वो आरती है जिस आरती के दर्शन के लिए मानव ही नहीं स्वर्ग लोक से मृत लोक में 33 करोड़ देवी देवताओं की हाजिर हो। माता के परम भक्तों जिसकी व्यवस्था कोई नगर पालिका गवर्नमेंट मंदिर की ओर से नहीं की जाती, ये सौभाग्य केवल आप आने वाले भक्तों को जाता है। जो भी माता का भक्त आज के आरती में अपने परिवार की सुख शांति के लिए महामारी के चरणों की एक आरती का खर्चा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार से एक बड़ी आरती का अनुष्ठान मिले तो कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं लगती, बड़ी आरती का खर्चा मात्र 501 रुपए होता है और छोटी आरती का खर्चा मात्र 101 रुपए होता है। सैकड़ों माता के भक्त में थी, सैकड़ों श्रद्धालु परिवार खड़े हैं, बोल देना किस भक्त का विचार है कि पहली हाजिरी हाथ उठाकर महामाई के चरणों में लगाएं और दिए हुए दान का भी है। केवल आरती से पहले आपके नीत में दान के लिए नहीं, आरती के बाद हमारा कोई भी आदमी आपसे दान के लिए कहना चाहिए। ये गंगा मैया की आरती जन्मों जन्मों को भाई तो जो आरती हो जाएगा तो हल्का हल्का। और ये 301 रुपए का दान ये तीनों भाइयों की तरफ से माँ जगत जननी के चरणों में गंगा मैया के चरणों में दे रहे हैं। गंगा माँ इनकी यात्रा मंगलमय करें, घर परिवार में अन्न धन के भंडार भरे, यात्रा मंगलमय हो। और एक छोटी आरती में मात केवल 101 लगता ही है और बड़ी आरती में 501 लगता है। क्योंकि एक आरती दान ने क्या दिया, अपना हाथ बढ़ा के दान दे और देवे दान दसी बात में एक छोटी आरती में 101 लगता ही है। गंगा माँ की आरती है बापोत आरती भी है। अभी 5:03 होगा और 5:00 का पैसा गंगा जी की आरती में पूजा में गरीबों के भोजन में गरीबों के घरों में कार्य की समय समय में आपका दान लगता भैया। ये आपका दान गंगा जी का आरती में देता है। आरती के बाद में कोई भी सच्चन शांति की आता नहीं करा दिया तो एक आरती दान देता है तो मात्र केवल स्वयं लगता भी है। मेरे पास 2.8 होता है मजा परिवार का विचार है। आरती में भोग में आरती का सुंदर समय है, गंगा जी का आरती दान और बड़े सौभाग्य सभी आरती होगा वो इसी दान को होता है। और किसी भक्त परिवार का विचार है तो गंगा मैया के जोड़ों में हाथ बढ़ा देना और दिए हुए दान का यहाँ से रसीद प्राप्त करना। और ये गुजरात के भक्त अपने परिवार से एक आरती का खर्चा 101 रुपए का दान गंगा माई के चरणों में दे रहे हैं। गंगा मैया की यात्रा मंगल में घर परिवार में धन के भंडार बने। ये सूरा भाई की तरफ से, ये सूरा भाई की तरफ से 101 रुपए दान दिया। बोलिए भैया और किसी माता के भक्त का विचार है और परिवार का विचार है जो भी दान का भी अर्जी बोली के लिए माँ गंगा जी के चरणों में अपनी पवित्र कमाई से लेकिन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ऑन केवल आप लोगों के दान को देखते रहना ठीक है। केवल आप लोगों के दान से
जैसा जिसकी भावना है, जैसा जिसको दिया है, पवित्र कमाई से गंगा माई के जनों में सहयोग दें। ये पकड़ो और पकड़ो पकड़ो फटाफट पकड़ो। पहले गंगा जी पूजन होगा, उसके बाद आज तो हो गया। बोलिए भैया, इधर से कोई माता का भाग और भी कोई श्रद्धालु परिवार? दान धर्म भजन और किसी भाई ने जरा मैं दान बोली भी आगे से बंद कर दीजिएगा। Yeah।
सभी श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद अभी रुक जाओ, मैं बताऊंगा। गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त करें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें। सभी श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद और चंद्रव्रत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त करें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें। सभी यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, जेब खतरों या उठाई गिरोह से सावधान रहें। अपने मोबाइल फोन, पर्स, रुपए, पैसे, बैग आदि का विशेष तौर से ध्यान रखें। सभी श्रद्धालु अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढककर रखें। अपने बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलें। सभी श्रद्धालु अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढककर रखें। उचित दूरी का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सभी यात्री माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद और चंद्रमृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त कर लें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें।
बंद करा दो सभी श्रद्धालु उचित दूरी का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढककर चलें, अपने सामान की सही सुरक्षा करें।